अबे दूध का रह गया क्या, भैंस को मना रहा है? आजे बड़े भाई, तेरी जो जलालत है ना, इसलिए मैं तुझसे पानी नहीं मांगता। अरे आजा, और कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है डॉक्टर बन के एक साल में? अच्छा लग रहा है। बताओ, यहाँ पाकिस्तान में अदीब रिजवी साहब अब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो गया साला एक साल में डॉक्टर बन गया। बड़े भाई, आपके 10 जानवर लेकर आ गया हूँ, वो भी बच्चों समेत। अब एक काम करो, वो जो गाय खड़ी हुई ना सामने, वो बहुत उल्टियाँ कर रही आगे पीछे से, मेरे को दोनों साइड से उल्टियाँ बंद चाहिए। अभी मेरे बंदे एक तरफ से साफ करते हैं, दूसरी साइड गंदी हो जाती है। मेरे कस्टमर बड़ा गंदा इंप्रेशन पड़ता है यार, समझ बात को यार। देख यार, ठीक है बड़े भाई, मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई, इस वाले जानवर को इंजेक्शन लगाओ। अरे भाई, कुछ जानी पिछानी बदबू आ रही है, कौन है ये? ओ, कांटे वाले बाल। अरे ये तो अपने डॉक्टर साहब लग रहे हैं। डॉक्टर साहब? हाँ बोलो। आप ये क्या कर रहे हैं भाई, जानवर खरीदने आए हैं? जानवर खरीदने नहीं, जानवर का इलाज करने आए हैं। अरे वो, इसका मतलब है आप जानवरों की भी डॉक्टर हैं? क्या बात है, तरक्की पाली आपने। जानवरों के भी नहीं, जानवरों के ही है। हाँ, जानवरों के ही। हाँ साले, एक साल से तू मेरे आंखों का इलाज कर रहा है और तूने मुझे बताया नहीं कि जानवरों का डॉक्टर है, हैं? आराम कर, चल तू बड़े भाई के पास चल, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अबे कंपनी, इस साल तुम लोगों को जितना इतने बच्चे पैदा करने कर लो, अगले साल सारे से हो जाओगे। अब यार ये बात, सारी बकरियों मेरे को ऐसे 18 बच्चे चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। तुम अकेले खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? अबे इसका बकरा कहाँ है? ओए बकरे, अबे वहाँ क्या कर रहा है कोने में अकेले? इतना प्यारा समय देख इसको यार, तू भी समझता नहीं है, कारोबार खराब करेगा मेरा। अरे फामा, बकरों के चारे में साला जीत डाल दे। बड़े भाई, ये आदमी पिछले एक साल से मुझे जानवरों की दवाई खिला रहा था और मुझे नकली आके लगाई है। बड़े भाई देखे, और मुझे आज पता चला ये जानवर का डॉक्टर है कमीना। पता क्यों करे तेरे ये था? भाई कम से कम तुम्हारी आंखें तो वापस आ गई और तुम अब देख भी पा रहे हो। और हाँ, मुझे किसी ने कहा था तुम्हारा इलाज करने को। किसने कहा था? मुझे उसका नाम बता दे। किस कुत्ते कमीने कमजोर ने कहा था तुझे? मुझे उसका नाम बता, मैं उसको जान से मार दूंगा, जल्दी बता। बड़े भाई, अरे बड़े भाई आप दे, पहले बता देते मैं इतनी गालियां नहीं देता। माफी मांग। सॉरी, मुझसे मांग। सॉरी सॉरी बड़े भाई, सॉरी। क्योंकि अभी तेरे अंदर कुछ भी उखाड़ने वाला नहीं रहा, और क्या उखाड़ूंगा यार। अबे तुझे तो मेरा थैंक यू वेरी मच होना चाहिए, तो तेरे को मैंने बकरे की आग लगाई। एक क्लाइंट को मैंने बकरा बेचा, उसकी आग छोड़ी करके बेची मैंने उसके लिए, उसकी मोहब्बत में। और तेरे सामने हमारे मुल्क का इतना काबिल डॉक्टर खड़ा है, दुनिया भर में कोई भी आंखों का डॉक्टर हो बड़े से बड़ा, उसमें ये एक्सपर्टीज नहीं है जो बकरे की आँख निकाल के इंसानों में लगाते हैं। मजे की बात, तेरे को दिख भी रहे। लेकिन बड़े भाई, बकरे की आँख? ये तो बात है, बंदा भी अंडू और आँख भी अंडू। डॉक्टर, इस बकरे ने मेरे को 4 बार टक्कर मारी है। अच्छा, बहुत चौड़ा हो रहा है, एक काम करो इसको खस्सी कर दो। जानवर को तो बख्श दे। ओ क्लाइंट है। हाँ भाई। की भाई? जानवर है। यहाँ पे सारी परियां खड़ी हुई हैं। असल में हमारी डिमांड कुछ और है, हमें पिंक कलर का जानवर चाहिए। अबे जानवर लेना है, बारबी डॉल लेना है? अबे यार यहाँ पे ब्राउन, हल्का ब्राउन, काला, चितकबरा, कल्ला, कुलट्टा सब मिल जाएगा यार। हाँ, कुछ इससे पिंक मिल सकते हैं, उसके और डिमांड। वो अंदर वाले कमरे में होते हैं, धूप पड़ती ना काले हो जाते हैं, तेरे को चाहिए। वैसे तुम्हारी डिमांड देख के मेरे को लगता है कि तुम टिकटॉकर हो। क्या हो गया भाई? मुझे ये जानवर समझ आ रहा है, आंडू है क्या?
यहाँ बस अभी अंडू है। ये जानवर क्या खाते है? अबे यार फिर वो लाइन देनी पड़ेगी जो पिछले 5 साल से दे रहा हूँ। तुम में से किसी को याद है? अबे आगे वो लाइन दे दे यार, थक गया हूँ मैं। नहीं यार भाई, ये बादाम, पिस्ता, दूध, रस मलाई, अंडा, डब्लूटी, मक्खन, जेली, कोमेल, हर तरह की क्रीम, नूडल्स, स्टेक, गोश्त, खाना वाना, मेरा भी खाना खा लेती है, देख मेरी हालत क्या हो गई है। और ये नहीं, इसका बड़ा बेहतरीन रूटीन है, ये पहले सुबह उठती है, 27 किलोमीटर की वॉक करती है, उसके बाद घर आके पापे खाती है दूध के साथ, फिर निकलती है, फिर वापस आके मक्खन खाती है, 4 किलो मक्खन उसको मैं खिलाता हूँ, कोटा के बादाम खिलाता हूँ उसको पीस पीस के। इतने अखरोट तुमने पूरे साल नहीं खाओगे ना बेटा, वो एक दिन में खाती है, उसके बाद मैं उसको बेच रहा हूँ, और रेट टू रेट बेच रहा हूँ यार, ज़्यादा महंगी नहीं है। जब भी देख रहे हो उसके होंठ कितने गुलाबी हो रहे हैं, ये सारा नेचुरल फूड खा के हुआ है। हाँ तो उसके होंठ गुलाबी हो, पिंक हो, हमें कुछ मिली नहीं इसकी। शौक शौक की बात है यार, जब भी तो आपको पिंक जानवर चाहिए था। और क्या हाल है? ये वाला जानवर डन कर दो, कितने का है? यार आपने मेरे से रेट पूछा है ना, हम तो किसी को रेट बताते नहीं है। मसला है कि आप लोग आते हो अच्छी फैमिली से, वो जो आते ना साले हरामजादे, कमी कमीन कुत्ते के बच्चे, जिनको आगे खाली गाय में उंगली करनी होती है, कितने क्या है वो, कितने क्या है, जेब में 50 रुपये नहीं होते, खाले सुजुकी वो लटक के आते हैं, चप्पल गिरती है तो बोलते हैं यार नुकसान हो गया, इनकी औकात है? अबे सालों की औकात ही नहीं होती खरीदने की, आगे हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। पर आप तो बहुत अच्छे खानदान से आओ यार, लगता है बहुत पैसे वाले, तुम लोग तो देखते मुझे आइडिया हो गया था कि तुम लोग खानदानी हो, लीचर नहीं हो जो पैसे कम करोगे। यार ये आपको पड़ जाएगा फाइनल 63 लाख रुपए का। 63 लाख? क्यों पैसे है ना, कुछ तो कमी हो कुछ। हाँ वो जो कमीने होते ना साले, वो कुछ कुछ कम करा के नहीं चाहते अपनी औकात के हिसाब से। अरे यार आप तो खानदानी हो ना, आप तो यूं रेट दिया ठक करके चीज उठाई, ये तो बात है यार। अच्छा बात सुनो, पैसे है ना? हाँ। कितने? 70 तक होंगे। 70 है? एक आपस की बात करूं, किसी को देता नहीं ऑफर में, तुम्हारे को मेगा मास वाला चारा चाहिए, VIP चारा इम्पोर्टेड दुबई से मंगवाया मैंने, ईद में रहेगा देख 4 दिन, अभी लेके जाएगा लोग बोलेंगे 63 लाख का लेके आए, हड्डी बाहर निकली हुई है, यूं खुला हुआ है, ऐसे बना हुआ है, अभी फाशा लग रहा है, मेरा वाला मेगा मास खिला सिर्फ 2 घंटे के लिए, फिर रानी मोटी मोटी हो जाएंगी ट्रक के टायर की तरह, उसके बाद स्टेटस लगाना, पहले मत लगाना, तुम खानदानी हो, सही है ना? सही बोल रहा भाई। ओ भाई देख, पैसा भले भाड़ में जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए, हमारा भी उसूल है, सही है? तुम्हारा को तुम्हारे को, ए इससे पूरे 63 नहीं बल्कि 70 लाख ले ले, और मुझे VIP वाला चारा है ना गीला वाला, उनको दे पूरा पैक करके, गिरना नहीं चाहिए, जरा सा भी गिरा बहुत नुकसान हो जाएगा, फॉर्मूला खराब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? जो शाबाश, मुबारक हो। तो आते के साथ ही हम लोगों में फूल करने शुरू कर दिया। अब तुम मुझ पे क्यों जुल्म कर रहे हैं भाई, आहिस्ता दवा। अरे मैं तो बाथरूम वाली बात करते हुए भी घबरा रहा हूँ, कहीं वो कमोड का लोटा निकाल के खुटियाँ ना खोद दे। और ये अवेश, अवेश तो इतना वफादार है, देखा इसका हाल, इसके आगे निकाल के बकर क्या क्या लगा दिए। मुझे तो ख्वाब में भी आके डराता है यार ये आदमी, इतना पैसा होने के बावजूद इतना कमजोर कंजूस आदमी है ये, 100 से ज्यादा फार्म है इसके पास, उसके बावजूद 1 रुपए खर्च नहीं करता हूँ पर यार हद होती है। पहली बड़े भाई ने कम हमारी बेइज्जती की है कि मौला जट को भी ले हमें जलील करने के लिए। वो भी नया है, उसको से फायदा नजर आ रहा है। अभी देखना, कुछ ही अरसे बाद देखना, इस बंदे की कुत्ते जैसी औकात हो जाएगी, कुत्ते जैसी औकात। फसाद बगैर था, अपने मुफाद लिए नहीं ईमानदारी लिए कीता है। पूछो बड़े भाई नो, कंडासे दी चूड़ी पहली बारी चलाई, क्यों तो चलाई, जब कुछ कजरा बड़े भाई थे हमला कर लागे। याद रखो मुनाफिकत बगैर दीता तुझ जाना आए। ओ मौलिया, तूने भी बड़े भाई का प्यार देखा है, अदाब नहीं देखा? क्यों तूने देखी है? वो तूने सोटे मारता ते पिछवाड़े में डंडे देंदा। ओए कुछ शर्म करो, मंजी ते बह के बड़े भाई के खिलाफ गला करन दी बजाय ओते काम आना सीखो।
पिछले 5 साल से लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं, सब सुनता हूं मैं, हर जगह माइक और कैमरा लगा हुआ है। मेरे को मेरी बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, वो चाहे सरकार के खिलाफ हो, मेरे बंदों के खिलाफ हो, व्यापार के खिलाफ हो या व्यापार के असूल के खिलाफ हो। मेरे जुल्म का इतना जोर इनके ऊपर है, अगर मैंने इनको बुराई करने वाले काम से भी रोक दिया तो ये बेचारे हार्ट अटैक से मर जाएंगे यार, सीने बहुत भारी इन लोगों के। थू गए तुम्हारी सोच पे। चलो आओ बैठो, आज मुझे तुम लोगों से बहुत खास मीटिंग करनी है, आ जाओ पढ़ो। आए बड़े बड़े भाई आए। हाँ तेरे को मैंने कितनी बार मना किया स्पिनिश होकर, मेरे सारे शॉट खराब हुए थे एक्शन वाले। अबे इसको नीचे कर, बड़े जरा मैक तो यहाँ से आ रही है। वंदे वहाँ बैठ। जी बड़े भाई, कहाँ देख रहे? आपको देख रहा हूँ बड़े भाई। इधर देख। इधर? हाँ, तुम दोनों गौर से देखो और तू सिर्फ सुन, मैं तुम लोगों से आज वो बात करने वाला हूँ जो मैंने आज तक तुम लोगों से नहीं करी। तुम्हारे को क्या लगता है मैं बहुत जालिम हूँ? कमीना हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलील हूँ, वो भी ठीक है। तुम लोग क्या लगता है इस साल मेरे पास मेरे जाती कितने कैडल फॉर्म हैं? 100 से ज़ायद। अबे मोटे, एक कैडल फॉर्म में कितने जानवर हैं? 4 लाख। टोटल कितना होगा? 4 करोड़। मंडी में कितने हैं? मुश्किल से 4-5 लाख, वो भी आड़े टेढ़े हड्डियों वाले। और मेरे कैसे हैं? भरे हुए। इस साल मेरे सारे जानवर जिसकी एक की कीमत कम से कम 4 लाख रुपए, 20,000 रुपए का बेचूंगा। सिर्फ 20,000 का? बड़े भाई ये तो नुकसान हो जाएगा। इतना सस्ता बेचने की वजह? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, मैं तुम में से किसी को नहीं पता। आज से 8 साल पहले मेरी भी एक फैमिली होती थी, मेरे माँ बाप, मैं और मेरा छोटा भाई। हम लोग बहुत गरीब थे, सुबह खाते थे तो रात का असर नहीं होता था, और रात खाएं तो सुबह का। ऐसे में मेरे भाई को गाय खरीदने का बहुत शौक था कि हमारे घर भी गाय आए, हम भी कुर्बानी करें, और उस बेचारे को हमारे हालात नहीं मालूम थे। उसकी हर चीज़, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ओढ़ना पहनना, वो सब मैं और मेरा बाप पूरा करते थे ताकि उसको कमतरी का एहसास ना हो। एक दिन उसने मुझसे बोला, बड़े भाई जानवर खरीदना है। मैंने कहा चलेंगे। वो जिद में आके बाहर खुद चला गया। जब मंडी गया तो मंडी में जाके जब उसने प्यार से जानवर को देखा और उनको प्यार करना शुरू किया तो व्यापारी को गुस्सा आया। उन्होंने बोला तो हमारी गाय छेड़ा है। उन्होंने मेरे भाई के सर पे फोड़ा मार दिया। 8 साल के बच्चे के सर पे फोड़ा लगा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर आप गए उसको बचाने बड़े भाई? गया था। जब मैं गया तो मुझे मेरे भाई की लाश गाय के गंदे चारे में से मिली। जब मैंने अपने छोटे भाई की लाश को उठाया तो मैं घर नहीं गया, मैंने इसको जाके दफना दिया। उसी के बाद से मैं बना बड़ा भाई। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि मैं एक दिन पूरी मंडी को क्रैश कर दूंगा। आज कोई भी मंडी जाके 4 लाख का जानवर नहीं खरीदेगा, क्योंकि मैं यहाँ अपने बाड़ों में 8 लाख का जानवर सिर्फ 20,000 रुपये का दे रहा हूँ। इसीलिए मैं पिछले 5 साल से हर शोदेबाज को
हर अमीर आदमी को जिसको शशका करने का बहुत शौक होता है, बर्गर लौंडों को और हवस के पुजारियों को महंगा महंगा जानवर बेच के उनको पेल रहा था। और इसीलिए मैंने पिछले 5 सालों में हर उस आदमी को इसकी हैसियत नहीं है, जिसकी बहुत तमन्ना है इतना फरीजा अंजाम देने की, उसको मैंने सस्ते में जानवर दिया, क्योंकि मेरा मकसद था नेकी करने का। और इस साल मैं पूरी मंडी क्रैश कर दूंगा, देखता हूँ कौन जाता है मंडी में, उनका व्यापार बढ़ाने। मेरे को पता है तुम बेघरतों को जानों में क्या चल रहा होगा, ये तो बड़ा भाई है, इसी का भाई मरा, इसकी फैमिली, इसका इमोशन, इसके आंसू, अपना से क्या है, मैंने अपना वो क्या है, अपन लोग काम करते हैं, रोटी खाते हैं, खुश हो जाते हैं, टेंशन नहीं लो। मैंने तुम तमाम बेघरतों के नामों पे 12-12 करोड़ के कैटल फॉर्म रखे हैं, जब ही मैं तुम लोग पर इतनी सख्ती कर रहा था, धूप में काम करवाया, चारे पे सुलवाया, सारा दिन गोबर में काम करवाया, बदबूएं सुंघाई, मारा पीटा ताकि तुम लोग लोहा लाट हो जाओ, ऐसा ना हो मेरे दिए हुए इस गिफ्ट को जो तुमको ट्रे में रख के मिला है इसको बर्बाद कर दो। अब हर बंदा अपने अपने कैटल फॉर्म को 12 करोड़ से 12 अरब रुपये का बनाएगा मेरी इस ट्रेनिंग से। अब ये बंदे चश्मा उतार, दिखाई दे रहा है बकरे की जो आंख थी ना, वो बकरे के मुंह पे लगी हुई है और तेरी आंख तेरे मुंह पे। तू बड़े भाई पहले मुझे इतना हल्का क्यों दिखता था? अबे तो रात में काला चश्मा लगाया तो कद्दू दिखेगा? अगले साल वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। हमारे पास जो कुछ भी है ना ये सब फानी है, दुनिया में बड़ा एंजॉय कर लिया मैंने, अब इंशाल्लाह आखिरत एंजॉय करूंगा। ओए जा कहा का है, देख क्या क्या चाहिए। हर बार घाक नहीं होता, कभी कभी मौत का व्यापारी भी होता है। मतलब ये आखिरत को एंजॉय करने के लिए मरना बहुत जरूरी है। मैंने पहली बार अच्छा काम करने का सोचा, उन्होंने मुझे मार दिया। इस दुनिया में जल्दी मरना तो अच्छा काम हो, बड़े भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस उठ जाए आप, भाड़ में जाए कैटल फॉर्म, भाड़ में जाए सारी प्रॉपर्टियां। बड़े भाई उठ जाए, बड़े भाई, अरे भाई बोलिया।